एशिया कप 2022 में पाकिस्तान का खतरनाक स्क्वाड देकर भारतीय मीडिया की अभी से हवा निकल आई। भारतीय मीडिया ने अपने मीडिया पर बैठकर ऐलान कर दिया कि हम एशिया कप 2022 अभी से हार गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। जैसा कि आपको मालूम है कि एशिया कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान हो गया, आपको मुकम्मल शेड्यूल दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है कि एशिया कप 2022 का सबसे जो बड़ा मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, उसमें से कौन सी टीम जीतेगी? आपने उस टीम का नाम हमें कमेंट बार में जरूर बताना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि एशिया कप 2022 का जो आगाज है वो 27 अगस्त से होगा, जिसका पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। एशिया कप 2022 का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा, जो कि 28 अगस्त को खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात से आगाह कर दूं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मैचेस होंगे। आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि कैसे होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शेड्यूल के मुताबिक 28 अगस्त को पहला मैच खेला जाएगा, उसके बाद जो दूसरा मैच है वो 4 सितंबर, वो भी इतवार के दिन खेला जाएगा। उसके बाद अगर फाइनल में पहुंच जाती है दोनों टीमें तो फिर 11 सितंबर को इतवार के दिन फाइनल मैच भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि 4 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किस तरह से मैच खेला जाएगा। तो ग्रुप ए में से तीन टीमें जो हैं वो तीन में से दो टीमें जाएंगी, उसमें से जो पहली टीम है वो पाकिस्तान होगी और दूसरी इंडिया होगी, तीसरी जो होगी वो कमजोर टीम है। पाकिस्तान और इंडिया मजबूत टीमें हैं तो ये दोनों आपस में खेलेंगी, तीसरी जो होगी वो क्वालिफायर खेल के जाएगी। तो ग्रुप ए में से या तो पाकिस्तान पहले नंबर पर होगा या फिर इंडिया पहले नंबर पर होगा या फिर इनमें से कोई भी एक टीम दूसरे नंबर पर होगी और ये दोनों आपस में एक और मैच भी खेलेंगी। तो अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो खतरनाक स्क्वाड बताता हूँ जो कि एशिया कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करेगा, और उसके बारे में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है आपको वो वीडियो में मुकम्मल सुनाता हूं। तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आएंगे बाबर आजम और उनके साथ आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान के बाद तीसरे नंबर पर आएंगे फखर जमान और चौथे नंबर पर आएंगे हैदर अली। हैदर अली की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक भी हो सकते हैं। उसके बाद आएंगे खुशदिल शाह, उसके बाद आएंगे आसिफ अली, उसके बाद आएंगे शदाब खान, फिर आएंगे मोहम्मद नवाज, फिर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी, फिर आएंगे हारिस रऊफ और फिर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह। तो इंडियन टीम और इंडियन मीडिया अभी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम एशिया कप 2022 में भी उसी तरह से शिकस्त खा के आएंगे जैसे हम T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से शिकस्त खा कर आए थे। लेकिन यहाँ पर मेरा आप सबसे एक छोटा सवाल है कि एशिया कप 2022 का सबसे बड़ा टकरा जो कि इंडिया और पाकिस्तान में होगा, उसमें से कौन सी टीम जीतेगी? इंडिया जीतेगा या फिर पाकिस्तान जीतेगा? आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर आगाह करना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा।